सबको मेरे नमस्कार। असम के वरिष्ठ मुख्यमंत्री आदरणीय सर्वानंद सोनोवाल जी, केंद्र में मंत्री और मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी, असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हिमांता बिस्व शर्मा जी और असम के वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, एमएलए और अधिकारीगण, आप सबको मेरे नमस्कार। मगर मेरे भाषण शुरू करने से पहले, आज ये छा बगीचा धन पुरस्कार मेला में भाग लेने के लिए दूर दराज इलाके से आए हुए मेरे चाय बगीचे से भाइयों बहनों, आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार। पूरे दुनिया सुबह उठ करके पहले अगर एक शब्द बोलता है नींद खुलने के लिए, वो है छा। उस चा के उत्पादन करने वाले आप सबको हर सुबह पूरे दुनिया याद करती है और असम के चा के ऊपर एक ब्रांड वैल्यू भी है, असम टी। इसको याद करते हैं पूरे दुनिया। और मैं शुरुआत में ही उस बात को इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि मेरे बगल बैठे हुए डॉक्टर हिमांता बिस्व शर्मा, वो गाना जो हमारे भाई बहन जो बगीचे से आए हुए हैं, वो परंपरागत तरीके से वो नृत्य गाना जो हमें हमारे मन शुरुआत से ही अच्छा सोच विचार के साथ जाना है, इसीलिए अच्छा गाना भी गा रहे हैं। मगर उस गाने में क्या भावना थी और क्या अर्थ था, वो डॉक्टर हिमांता बिस्व शर्मा ने मुझे बगल में बैठे हुए ट्रांसलेट करके बोल रहे थे। मेरे मन में पीड़ा हुआ, मेरे मन में दुख, एक तरह के दुख। एक विषय बोलने के समय अच्छा लगता है असम टी, मगर वो गाना के अर्थ और भावना सुनने के बाद मन में एकदम पता नहीं एक फीलिंग मुझे मन में आया जो पीड़ाजनक है। क्योंकि गाना का अर्थ क्या है आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने जो मैंने समझा उसको बोलना चाहती हूं। सुबह आपके मम्मी जो चाय के काम के लिए पत्ता निकालने के लिए जाएगी, मैं जाऊंगा वो खेती में पानी सही पहुंचाने के लिए, मिट्टी में काम करने के लिए। मगर आप बच्ची लोग, लड़की लोग छोटे घर में रहो, मगर कल रात का खाना खा करके, यही है ना गाना के अर्थ, यही है ना। हमारे पूरे दुनिया के सुबह उठ करके गरम चाय पी करके आंख खोलो नींद से उठ करके आज दिन भर के आपके जो भी काम काज है वो करो। ये करने के लिए जो चाय आप बेचते हो पूरे दुनिया, आपके बच्चे कल रात के खाना खा करके घर में आपके लिए दोबारा इंतजार बैठना, ये हालात बदलना चाहिए, ये हालात बिल्कुल बदलना चाहिए, ये हालात बदलना चाहिए कि आज जिन मजदूर पूरे दुनिया को चाय बेचती है उनके व्यवस्था ठीक होना चाहिए, घर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आपके बच्चे के
सही खाना मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, वो भी फ्रेश खाना मिलना चाहिए, ना कि कल रात की कल दिन की बचा हुआ खाना। ये मैं एकदम आज मुझे वो गाना सुन करके, ये नहीं है कि चाय बागान में काम करने वाले के हालात पहले से मालूम नहीं था, बिल्कुल मालूम था, मगर समय आज चाय बागान दन पुरस्कार मेला की, जब मन और ध्यान से एक चीफ मिनिस्टर सर्वानंद जी सोनोवाल जैसे हृदय से काम करने वाले, मन से काम करने वाले, दिल से काम करने वाले एक चीफ मिनिस्टर लोगों के हालात समझ करके उनको दो दिलाना है उसके लिए काम करते हैं, उनके सोच में यही रहता है, और उनके रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं बात हल्का सा बोल रही हूं, कामाख्या तासा जो हमारे वरिष्ठ एमपी है, चाय बहान के कहानी मेरे को 2014 से 2014 से लगातार बोल बोल करके कुछ करो दीदी, चाय बागान के लिए कुछ करो, और पल्लव लोचन जी भी उनके अपने तरीके से याद दिलाते रहते हैं कि क्या है चाय बागान के हालात। पूरे दुनिया में आज इतने सारे डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमारे चाय बागान के हक नहीं बनता? क्या हमारे चाय बागान के महिला का हक नहीं बनता? ये सांसद में ये बात बोल करके चाय बागान के हालात के पूरे विषय समझाया गया है, इसीलिए। और इससे पहले 2014 के चुनाव से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात बोलते रहते हैं चाय बागान के लोग के लिए हम कुछ करना चाहिए, उनके हर भाषण में ये बात बोलते हैं, उनके हालात देखो कुछ करना चाहिए हम। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आप तक घर लेकर आता है, और अभी भी जितने भी लोग उनका घर नहीं है, ठीक अच्छा सा घर नहीं है, उनको घर भी दिलाता है, और चाय बागान में जो रहते हैं दूर सिटी से दूर, उनको आयुष्मान भारत के योजना के द्वारा 5 लाख तक एक साल के अंदर ही जरूरत पड़ते तो इलाज करने का व्यवस्था भी आपको प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के द्वारा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर किसी को नहीं मिलता है जरूर बोलिए, क्योंकि आप तक पहुंचाने वाले जिम्मेदारी हमारा है। आयुष्मान भारत के पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबका है, हम पहुंचाएंगे, मगर इसमें किसी का भी अगर आयुष्मान भारत नहीं मिलता जरूर बोलना, क्योंकि 5 लाख तक पूरे पैसा भरने का आवश्यकता नहीं है, कागज में आपके नाम लिखने का आवश्यकता नहीं है, पेपरलेस इलाज मिलता है। ऐसे हर एक चाय बागान के रहने वाले के छोटे छोटे समस्या को समझ करके प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं ये करो ये करो ये करो। पिछले फरवरी को उस समय भी बजट के बाद जब मैं आई थी, और उस समय के सरकार क्योंकि बैंक अकाउंट्स में कुछ टेक्निकल कारण, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ और नहीं है, किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, उस कारण से बैंक अकाउंट में पैसा भरने का व्यवस्था टूट पड़ी। बैंक में अकाउंट खुला गया था डीमोनेटाइजेशन के बाद, मगर उस अकाउंट में
क्योंकि एकाध विषय का कमी थी, उसको उपयोग करने में दिक्कत पाया गया था। इसीलिए उस समय का चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला, उसमें पैसा भरने का जो व्यवस्था उस समय था, उसमें कमियां थी, बहुत सारे लोग को छूट गए पैसा। मगर मैं जिस जोश से उस समय आदेश दिया बैंकों को कि ये सही नहीं है, आप सबको अकाउंट दोबारा ओपन करिए और उसमें जो भी आइडेंटिटी के साथ विषय है वो सब ठीक करिए, ये सब उस समय एकदम का बार बार डिजिटल उपयोग करो, टेक्नोलॉजी उपयोग करो, इसके पीछे यही है रास। रास यही है कि कोई बिचौली मजदूरों का पैसा से कुछ भी ना निकाले, पूरे के पूरे पैसा उनके पास जाना। इस बार के बजट के विषय जिक्र किया गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। प्रधानमंत्री जी का इच्छा था कि चाय बागान में कोई भी और कमी नहीं रहना चाहिए, आप जो भी करना है करना चाहिए, और असम सरकार से भी रिक्वेस्ट आया कि आप बजट के द्वारा हमें पैसा दो, चाय बागान में काम करने वाले महिला और बच्चे के लिए हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा हमें बजट में घोषणा करो। इसीलिए आपके सरकार जो सर्वानंद जी सोनोवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री डॉक्टर हिमांत बिस्व शर्मा का रिक्वेस्ट था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और बजट में 1000 करोड़ का घोषणा चाय बागान के महिला असम और बंगाल में जो काम करते हैं उनके लिए घोषणा हुआ है। बैंक, असम सरकार और इस पैसा, इन तीनों को सही उपयोग करते हुए आप तक अच्छे सुविधा मिलेगा, ये मेरा पूरा आश्वासन है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी असम के लिए मिलना है, हक मिलना है वो भी, और कभी कुछ आपदा हो जाता है उस समय भी जितना पैसा मिलना है भरपूर मिलेगा। अब तक मिल रही है, आने वाले दिन में भी जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी भी एक राज्य को ऐसे छोड़ते नहीं है, सभी राज्य का डेवलपमेंट होना चाहिए, यही है भारत सरकार के इच्छा और नियति। आज इस चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला में मुझे भाग लेने का मौका मिला, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। कभी भी चाय बागान के बेहतरी के लिए, उन्नत के लिए जो भी काम करना है हम कटिबद्ध है, करेंगे, बिल्कुल आगे आगे भी करेंगे। अभी भी वही वायदा मैं देती हूं आप सबको, और इस मौका में भाग लेने के लिए, इस अवसर में भाग लेने के लिए मुझे मौका मिला, इसके लिए आप सबको और मुख्यमंत्री जी को मैं प्रत्येक मेरा नमन बोलती हूं, धन्यवाद बोलती हूं। जय असम, जय भारत, नमस्कार। वादे नहीं इरादे लेके आए माननीय केंद्र वित्त मंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। अब हम आनुष्ठानिक भावे आज मंच आमार मुख्य अतिथिर हातेरे 6 गराकी हिताधिकारीक এই ধন প্রদান করা হব। আই রিকুয়েস্ট আর অনারেবল ইউনিয়ন ফিনান্স মিনিস্টার টু কাইন্ডলি প্রোভাইড দ্য চেকস। নাম ঘোষণা করার লগে লগে আগুয়া আহিবলে অনুরোধ জানালো। আরম্ভ করছো কাছাৰ জিলার ডালো চাহ বাগিচার শ্রী শঙ্কর ধুবি ডাঙরা। কাছাৰ জিলার ডালো চাহ বাগিচার শঙ্কর ধুবি ডাঙরিয়া তেখেতৰ পাছতে নগাঁৱৰ আমচৈ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী প্ৰেম কুমাৰ নায়ক ডাঙৰীয়া। নগাঁৱৰ আমচৈ চাহ বাগিচাৰ প্ৰেম কুমাৰ নায়ক ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পাছতে দৰঙৰ বৰগাৰা
চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী সামাৰু মুণ্ডা ডাঙৰীয়া। তাৰপিছতে চৰাইদেউৰ ডুমৰ দলং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী ইনু তাঁতী ডাঙৰীয়া। এয়া আছিল চৰাইদেউৰ। তাৰপিছতে কামৰূপ আমিন গাঁৱৰ ৰাণী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী কালু মুৰাৰী ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ লেঙাৰজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী নিৰল যোজ ডাঙৰীয়া। I thank our chief guest for presenting the checks to our beneficiaries. आज हम निकेर बाबे एक ऐतिहासिक दिन सभिता अधिकारी के शुभेच्छा जाना ली। May I now humbly request Commissioner Secretary, Finance Department, Sri Shyam Jagannathan to kindly deliver the vote of thanks. খানাপাৰাৰপৰা আমি পোনপটীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ আৰু এয়া হিতাধিকাৰীসকলক চাৰিগৰাকীকৈ হিতাধিকাৰীক চেক প্ৰদান কৰাৰ মুহূৰ্ত দেখুৱাই গ'লোঁ আমি পোনপটীয়াকৈ। আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইতিমধ্যে জনালে, ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিলে চাহ বাগানৰ জনপ্ৰিয় গীত এটিৰ কথা, য'ত যিখিনি অৰ্থ তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সেই অৰ্থখিনিয়ে তেওঁক গভীৰভাৱে চুই গৈছে বুলি তেওঁ জনালে। তাৰোপৰি চাহ বাগানৰ বাবে, চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে আৰু বহু কিবা কৰি যোৱাৰো এক প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ প্ৰদান কৰিলে। এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যসমূহ। আৰু এয়া সভা এই মুহূৰ্ততে যিহেতু ভংগ হৈছে, 3,000 টকাকৈ চাহ শ্ৰমিকসকলক চেক প্ৰদান কৰা হৈছে, চাহ শ্ৰমিকসকলেও উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে।